ंग अस ऑन इंस्टाग्राम बिकॉजिंग स्टॉफ अव पेरेंट्स आर नॉट अलॉइंग मी टू गो टू अनादर सिटी फॉर स्टार्टिंग बहुत बच्चों ने बोला कि दी हमारी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि हम जहाँ अभी रहते हैं वो सिटी टाउन या कहीं पे भी या विलेज में जहाँ पे रह रहे हैं वो छोड़कर हम कहीं और जाएं वो कह रहे हैं कि हम आपने जो मर्जी करना है आप यहाँ पे करो बट कहीं और मूव आउट नहीं होने देंगे ठीक है ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी आप लोगों की तो मैंने सोचा मैं इसके ऊपर एक वीडियो करती हूँ और हम एक बातचीत करके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे चलिए पहले मैं आपको बता दूँ मैंने एक वीडियो करी थी जिसके अंदर मैंने बात करी थी कि अगर आपके पेरेंट्स आपके ड्रीम्स या गोल्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए प्लीज़ वो वीडियो जरूर देखेगा आपको हेल्प करेगी वो भी ठीक है मैं वो पॉइंट्स रिपीट नहीं कर रही हूं, इसके अंदर अलग दे रही हूं। अगर आपके आपको बाहर नहीं जाने देना चाहते तो उनका कोई रीजन होगा वो वाई वो रीजन ढूंढने की कोशिश करिए ठीक है ना वो वाई वो रीजन ढूंढने की कोशिश करिए और उसको आंसर कीजिए ठीक है ना मे बी वो कहें कि बेटा तुम बहुत ही ज्यादा आलसी हो बहुत लेजी हो तुम तो वैसे ही नहीं पढ़ते अगर बाहर भेजा तो तुम तो बिल्कुल पढ़ना लिखना बंद कर दोगे बट इन स्टेड यू कैन टेल कि देखो पहले मेरे सब्जेक्ट्स जो थे वो मेरे चॉइस के नहीं थे मुझे तो ये करना है एंड इफ़ आई गो फॉर दिस आई विल स्टडी फॉर श्योर हंड्रेड वन परसेंट प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको अपने टेस्ट के मार्क्स uh, भेजूंगा जो भी है ठीक है ना तो गिव अ सॉलिड रीजन फॉर देयर फियर एंड फॉर देयर वाई ठीक है find out why they don't want you to leave give an answer to their fears and queries remember discussion and conversation is the best way not fighting hum young hote hain to hame lagta hai ki best cheez hai lad lo aur chale jao kyunki humne bollywood movies mein yahi dekha hota hai instead अगर आप प्यार से बैठकर अपने parents से बात करोगे तो I think solution निकल आएगा और धीरे धीरे पर हाँ जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था आपकी रिसर्च सॉलिड होनी चाहिए जो क्वेश्चन वो पूछे उसका आंसर आपको पता होना चाहिए और अगर आप कहोगे कि दी हमें नहीं पता कुछ भी नहीं पता है बट हमें ये अचीव करना है तो गलती आपकी है क्योंकि इंटरनेट आपके हाथ में है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आपको इंटरनेट का असेस है तो आप अपनी रिसर्च अच्छे से कर सकते हो अब इस पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं पेरेंट्स से स्पेसिफिकली बात करना चाहती हूँ आपको क्या फियर्स हैं आपको ये लगता है कि आपका बच्चा अगर रिलेशनशिप में आ गया या फिर ड्रिंकिंग या ड्रग्स में पड़ गया या फिर वो यू नो स्टडी नहीं करेंगे और पैसा जो है वो वेस्ट करेंगे या फिर हाउ विल दे मैनेज देयर लाइफ एंड व्हाट इफ यू नो हैव नेवर बीन इंडिपेंडेंट दे हैव ऑलवेज बीन डिपेंडेंट ठीक है ना तो रही रिलेशनशिप की बात सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं अगर आपके बच्चे आपके साथ भी रह रहे हैं और उनको रिलेशनशिप में आना है तो सच बताऊं कोई भी नहीं रोक सकता ठीक है वो वो किसी भी सिटी में रहकर रिलेशनशिप में आ सकते हैं वो किसी भी सिटी में रह रहकर ड्रग्स आपसे छुप छुप कर कर सकते हैं अब यहां पे आपने उनके साथ एक क्लैरिटी लेकर आनी है कि आप क्या चाहते हो आप चाहते हो कि आपका बच्चा कभी भी रिलेशनशिप में ना आए तो आप उनको बताओगे या फिर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे आई वॉन्ट मेरा बच्चा मुझे बताए कि वो किसके साथ रिलेशनशिप में मुझे किसी और से ना पता चले। आपको कोई पसंद आए या फिर आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर टाइप का you know, उनका पार्टनर होना चाहिए तो आप वो भी एक्सप्लेन कर सकते हो राइट नेक्स्ट इज वट इज दे डोंट स्टडी एंड वेस्ट मनी देखो जब वो आपको कह रहे हैं राइट right? तो आपको उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि देखो बेटा हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन ये है हमारे पास इतना पैसा है ठीक है हम आपको बाहर भेज देते हैं बट मेक श्योर कि आप कुछ कर कर वापस आओ अगर आपने ये पैसा वेस्ट कर दिया तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी और आपके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी ऑब्वियसली वो समझेंगे एक बच्चा स्पेशली जो मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे आते हैं वो तभी कई बार बहुत अच्छा कर जाते हैं बिकॉज उनको पता होता है कि उनके पेरेंट्स ने इतने पैसे लगाए हैं इसके बाद उनके पेरेंट्स के पास और पैसा नहीं है अगर वो इसका अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं करते तो उनका कुछ भी नहीं बनेगा राइट right? अगर आप आपके पास बहुत पैसा है पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है बट फिर भी आपको डर लग रहा है तो ऑब्वियसली यू कैन टॉक टू योर चाइल्ड आप उनको स्टोरी सुना सकते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी कैसे स्टार्ट करी थी और कैसे ये जो टाइम होता है ग्रेजुएशन का इंपॉर्टेंट भी होता है इसमें फ़न भी करना होता है और पढ़ाई भी करनी होती है अगर आप प्यार से बैठ समझाएंगे तो आई थिंक आपका बच्चा समझ आएगा एंड अगर आपका बच्चा लॉगी भी फॉलो कर रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग वो सीरियस है बिकॉज ये चैनल पे बहुत सीरियस वीडियोस चलती हैं तो इसलिए ये भी एक खुशी की बात है हाउ विल दे मैनेज देयर लाइफ दे आर डिपेंडेंट ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है बहुत पेरेंट्स को लगता है कि जी ये तो कभी मार्केट जाके एक आ, इनको पता ही नहीं फ्रूट्स कैसे खरीदने हैं इनको ये भी नहीं पता कि क्या चीज़ बार्गेन कैसे करना है देखिए अगर आप उनको घर से बाहर स्टेप आउट करने देंगे वो तभी सीखेंगे ठीक है ना अगर प्रॉब्लम्स आएंगी हर किसी के लाइफ में अगर आप अपना टाइम सोचेंगे तो आपने भी प्रॉब्लम्स फेस कर करके ही लर्न किया होगा ठीक है ना तो स्टेप आउट करने दीजिए बट हाँ उनसे प्रॉमिसेस करवाइए उनको समझाइए बहुत प्यार से दे कैन डू ऑल दिस वाइल्फ दे स्टे विद यू देखिए एक बात याद रखिए अगर आपके बच्चे ने रिलेशनशिप में आना है किसी के साथ ठीक है या फिर उन्होंने ड्रग्स करने हैं तो वो आपके साथ रह कर भी छुपा कर ये सब चीज़ें कर सकते हैं ठीक है ना तो ये वाली चीज तो आपको साइड बाय करनी पड़ेगी इसकी हम थोड़ी देर में बात करते हैं बट अगर आप अपने बच्चे को बाहर भेज देते हो तो एक तो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आप उनको अच्छे कॉलेज में भेज रहे होंगे एक अच्छा कॉलेज होगा जो आपके आप जहाँ रह रहे हैं वहां पे नहीं होगा वैसा कॉलेज राइट या फिर उनको उसे वहाँ पे एडमिशन नहीं मिली उन्हें कोई दूर के कॉलेज में एडमिशन मिली जो कि बहुत अच्छा है तो वहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं चांसेस ऑफ गेटिंग अ बेटर जॉब हैविंग अ बेटर फ्यूचर ठीक है ना देखिए कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को आजकल के ज़माने में तो वैसे ही पेरेंट्स को अपने बच्चों को दूर भेजना ही पड़ता है स्टडीज़ के लिए क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे बच्चे को जाना पड़ता है राइट उनको एक्सपोजर मिलेगा जैसे आपने कहा था कि हमारा बच्चा हमारे ऊपर डिपेंडेंट है अगर आप उनको फ्री छोड़ोगे आप उनको फ्रीडम दोगे तभी उन्हें अकेले रहना आएगा उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आएगी और सबसे बड़ी बात उन्हें डिसीजनस लेने आएंगे देखिए बींग एन इंडियन किड बहुत सारे बच्चों को तो अपने डिसीजनस ही नहीं लेने आते क्योंकि पेरेंट्स सारे डिसीजन्स ले रहे होते हैं आपको लगेगा ये लड़की क्या बोल रही है हम ही तो लेंगे ना इनके डिसीजन्स और कौन लेगा बट नहीं इनको भी लेने पड़ेंगे देखो तीन चार साल में पाँच साल में ये अपने आप पैसा कमाने लग जाएंगे जॉब करने लग जाएंगे या किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे बड़े हो जाएंगे इन्हें अपने डिसीजंस खुद लेने पड़ेंगे आप इनके साथ इनके साथ आप डिसीजंस में हेल्प करवा सकते हो बट आप इनके लिए डिसीजंस नहीं ले सकते और जितना आप इनको बाहर खुला छोड़ोगे उतना वो उनको डिसीजन लेने में इजी होगा पेरेंट्स यू नीड टू ट्रस्ट योर ब्रॉटा आपने 18 ईयर्स तक 17 ईयर्स तक अपने बच्चे को बताया है कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए ये सही है ये गलत है नाउ इट इज़ टाइम कि आपने उसको सब कुछ बता दिया है लाइफ के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं और वैसे भी जब वो बाहर चले जाएंगे तब भी आप उनके साथ अपना सब कुछ शेयर करते रहेंगे अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस तो अब इट इज टाइम कि आप उनके वो विंग्स लगा दें और उन्हें उड़ने दें राइट बी फ्रेंड्स विद योर चाइल्ड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली आज के टाइम पे कि यू आर बेस्ट फ्रेंड्स विद योर चाइल्ड इंस्टेड वो आपसे छिपाएं सब कुछ वो आपको बताएं ठीक है ये नहीं होना चाहिए कि अगर ये मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया तो वो क्या कहेंगे वो तो मार डालेंगे मुझे नहीं वो अगर वो कोई प्रॉब्लम में है तो वो कहेंगे ओके फाइन लेट मी कॉल माई डैड लेट मी कॉल माई मॉम वो मेरा वो सल्यूशन बता देंगे या वो मुझे डांटेंगे नहीं वो मेरे मेरे, मेरे को बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे निकालू इवन इफ मेरी गलती है तो इतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप आपको अपने बच्चे से करनी पड़ेगी राइट right? नहीं तो वो आपको नहीं बताएंगे देखिए अगर आपको लगता है आप अपने शहर में रखकर उनको सही ट्रैक पर चला सकते हैं तो आप गलत हैं आप उनको सही ट्रैक पे उनके फ्रेंड्स बनकर उनके ऊपर ट्रस्ट करके और हाँ ये नहीं कि अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं आप उनको मतलब समझाएं नहीं बट अब इट इज़ टाइम टू हैव कॉन्वर्सेशन्स विद दैम मारना पीटना डांटने वाला टाइम चला गया बिल्ड सो मच ट्रस्ट दैट योर चाइल्ड कैन टेल यू एनी थिंग एंड एवरी थिंग डिस्कस अबाउट देर गोल्स एंड हेल्प देम इन फोकसिंग ऑन देम ठीक है आप उनके गोल्स पूछिए अब देखिए अगर आपका बच्चा ये बहुत अच्छा टाइम है अगर आपका बच्चा कह रहा है कि मुझे उस कॉलेज में जाना है तो पूछिए वाई क्यों जाना चाहते हो कैसे करोगे जो अचीव करना चाहते हो उससे क्या होगा आपके बच्चे में भी डिटर्मिनेशन आएगी कि एक चैलेंज है कि मुझे ये करना है तो उनके साथ डिस्कस कीजिए कि उनके गोल्स क्या हैं, वो क्या अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में इफ़ यू वॉन्ट देम टू ग्रो एंड इवॉल्व लेट देम लीव योर दे हैव देयर ओन उनके पंख लगा दीजिए उनके विंग्स लगा दीजिए और उन्हें अपनी उड़ान भरने दीजिए इट इज़ टाइम कि आप उन्हें आज़ाद कर दें उन्हें फ्रीडम दें सो दैट वो ग्रो कर सके अपनी लाइफ में और वो इवॉल्व कर सके डाउट आप एक पेरेंट हैं, आपको डर लगेगा बट ये करना पड़ता है जो जो पेरेंट्स ये करते हैं मेजॉरिटी ऑफ बच्चे सक्सेसफुल होते हैं मेजॉरिटी ऑफ बच्चे अपने गोल्स अपने एम्स अचीव करते हैं अगर आपका बच्चा एक कॉलेज ज्वाइन करना चाहता है एक पर्टिकुलर सिटी में उनको इसलिए मत रोकिए कि आप इंसिक्योर हैं आप उन्हें नहीं जाने देना चाहते प्लीज मेक श्योर कि आप उनसे प्रॉमिसेस लें आप उनके दोस्त बने आप उनके ऊपर ट्रस्ट करें और उन्हें जाने दें अगर आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डी कर सकते हैं एंड एट आई एम लॉग इंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू एंड टॉक टू योर गाइज ताकि तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी ताकि मैं और ऐसी वीडियोज़ बना सकूँ जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे मैं एट आई एम लॉगिरी के नाम से हूँ वहाँ पे आप फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ तो प्लीज अपनी ई मेल नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है वहां पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुंच जाए और आप वो देख सके वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ आज के लिए इतना ही मिलते हैं जल्द बाय